ये सामने जो आपको दो चेयरें नज़र आ रही हैं, सुबह हम लोग नाश्ता करने लगे हैं जब, तो इस जो ये फर्स्ट वाली जो चेयर है ना, ये वाली, इस पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो अभी जो मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ, तकरीबन 11:30 का टाइम था दिन का, तो मैं सालन बनाने लगी हूँ। सालन में सब्ज़ी वाला तो आज तक कोई नहीं आया, और बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बिल्कुल जो है ना कमरे से बाहर निकलने में, किचन में आने तक इतनी दुश्वारी हो रही है। तो मैं बनाने लगी हूँ आलू, ये थोड़े से आलू पड़े हुए, तो मैंने कहा चलो इन्हीं को बना लेती हूँ, हल्का सा शोरबा रख के ना आलू बना लूँगी, तो क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, कोई कुछ खाने का भी दिल नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ जो है ना बना के खाने का भी दिल नहीं कर रहा। तो मैं वरीशा के कपड़े भी जो है ना इस्त्री करने हैं, ये रहे वरीशा के कपड़े, ये मैंने स्टिच की थी शर्ट इसकी, कल धोई है, तो मैं प्रेस करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखें पंखे, ये देखें लाइट भी चली गई हमारी, इस लाइट ने भी बहुत तंग किया हुआ है, ये देखें बस बंद हो गई है, लाइट भी चली गई है, और ये देखें किचन में इतना अंधेरा हो गया है। अभी वो महर के बोलने की आवाज़ आ रही है कि लाइट चली गई है, भागता हुआ वो भी आएगा, मम्मा लाइट चली गई है, एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है ऊपर से लाइट भी। मैं आपको मेहर का हाल, हालांकि मैंने एसी लगा के कमरा ठंडा कर लिया था, कर अच्छा लाइट चली गई है, हाँ उमेर की टीवी बंद हो गई है, इसलिए उमेर साहब जो है ना लाइट चली गई। चलो थोड़ी देर बाद आ जाएगी मेरे बेटे की, तो कमरा तो ठंडा हुआ हुआ ना, ठीक है, आपने बाहर नहीं निकलना, सही है, थोड़ी देर बाद लाइट आ जाएगी, फिर जो है ना टीवी चलने शुरू हो जाएगी। 12 हो गए हैं, पता नहीं क्यों लाइट चली गई है, बच्चे भी आने वाले होंगे स्कूल से, और आगे देखें तो लाइट भी नहीं होगी, और इतनी जो है ना गर्मी पड़ रही है, अल्लाह करे बारिश हो, बारिश तो बिल्कुल नहीं हो रही हो, ये देखें यहाँ पे जो है ना मैं मसाला मेरा प्याज ब्राउन हो गए, गर्मियों में ऐसा है ना कि बस यही जी चाहता है कि हर चीज़ डाल के और दम पे रख के तो चला जाए बंदा बाहर और खुद से तैयार हो जाए, इतनी गर्मी होती है कि बिल्कुल ना चूल्हे के पास खड़े नहीं होने हो रहा। अभी मैं इसमें स्पाइसेस डालने लगी हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये देखें जी, ये उमर ने दो बत्तखों के बच्चे लिए थे, चूजे भी लिए थे छोटे छोटे, वो किसी को दे दिए, तो ये दो बत्तखों के बच्चे छोटे छोटे, कलर इनका देखें भूरा सा कलर है, मुझे तो घर नहीं अच्छे लगते ये, तो ये एसी के नीचे, एसी के यूनिट के नीचे रखे हुए, यहाँ से पानी गिर रहा था एसी का, ये देखें, और इनके ऊपर गिर रहा था, तो अभी जो है ना मैं इनको रखूँगी अंदर, इनको रोटियाँ डाल के सुबह गया है, पानी मेरा भी डाल के गया है, उम्र को इन चीज़ों से बहुत है, जानवर चूजे मुर्गियाँ, यहाँ पे धूप वगैरह नहीं आती, तो पाइप के पास तक इनका जो ये गंद वगैरह होता है ना, ये देखिए ज़रा,
देखिए मैंने वरीशा की जो है ना शर्ट इस्त्री करने से पहले ही लाइट चली गई है, तो चले आएगी नहा के पहनेगी। लोन के कपड़ों का यही होता है कि नहा के पहन लो फिर एक जैसे होते हैं। ये छोटा सा पीस था तो ये शर्ट पीस था, उसके साथ ये मैंने थोड़े से ना इस तरह बना के चुनट से डाल के इसको आगे इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाया है। ऊपर ये छोटी सी लेस लगा दी है, छोटी छोटी लेस है। और बाजू इसकी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये बाजू है इसकी, ये अभी इस्त्री नहीं हुई हुई तो तब इस तरह लग रही है। ये बाजू शलवार के कपड़ों का था, उस पर भी ये छोटी छोटी लेस लगाई है और दो दो चुनट्स डाली हैं ऊपर नीचे, और दरमियान में एक पट्टी लगा दी है, फिर लेस लगा के ऊपर थोड़ी सी लेस लगा के इसको भी बाजू को बना दिया। और गले का है कि ये देखें ये छोटे छोटे जो है ना ये टर्सल जो मिलती हैं ये बना के लगा दी इस तरह, दूसरी किधर गई ये देखें। बच्चियों के लोन के कपड़े जो है ना छोटे छोटे पीस हों तो उनमें भी बन जाते हैं। ये दो टर्सल से लगा के इसके गले पे लगा दिए और ये पीस बन गया, और साथ इसका ट्राउज़र है और सॉरी ट्राउज़र के आगे ये जो है ना टाइट्स है, ये इसके साथ टाइट्स है। इस तरह के कोई टाइट्स हों ब्लैक ब्लू इस तरह के जीन्स के टाइट्स हों तो उस पर ये शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं बनी हुई। तो खैर मेरी वरीशा का ये है कि जितने मर्ज़ी मैं नए कपड़े बना लूँ ना उसके वो एकदम फाड़ देती है, ख़राब कर देती है, रफ़ कर देती है। तो ये इसके साथ ही मैंने दो और बनाए थे, वो भी लाइट आई तो मैं आपको दिखाऊँगी, जब इसने कभी पहनने हुए तो मैं दिखाऊँगी आपको भी। तो लाइट हर चली गई है तो ये देखिए अंदर किचन में ये हाल है, और गर्मी से पसीना इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है। ये देखें ये पसीना देखें मेरे मुंह से बीगिन, माने कि मैं एसी के कमरे से उठकर आई हूँ और इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि जान निकलने वाली आई हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, हब से ज़्यादा जो है ना हब्स बहुत ज़्यादा हुई हुई है। अल्लाह पाक जो है ना बारिश दे दें थोड़ी सी तो कि दो तीन दिन गुजर जाए हमारे ठंडे, अगर मज़ीद गर्मी होगी। और अब स्कूल भी खुल गया, अब बच्चों का तो बुरा हाल होगा, कल उमर और रिशा स्कूल गए हैं तो वापस आ गए तो उनकी तो बुरी हालत हुई हुई थी, देखने लायक थी। तो आज भी जो है ना जब वापस आएंगे तो उन्होंने शोर सही करना है, तो ठीक है जी। अभी मैं बैठी हूँ डाइनिंग पे, ये सामने जो आपको दो चेयरें नज़र आ रही हैं, सुबह हम लोग नाश्ता करने लगे हैं जब, तो इस जो ये फर्स्ट वाली जो चेयर है ना ये वाली, इस पे छुपकली छोटी सी बैठी हुई, यकीन माने वो इस तरह देख रही जैसे कि वो अब भी जो है ना जंप मार देगी ऊपर। और फिर मैंने उसको जो है ना बताया, भाग गई वो। तो ये है पर्दे लगे हैं, ये उमर और रिशा की सीट है, यहाँ पे बैठ के वो नाश्ता करते होते हैं और खाना वगैरह दिन का खाते हैं रात का खाते हैं। तो अभी मैं उधर ही बैठने लगी हूँ, जो ही तो मुझे ख्याल आ गया कि भाई पीछे कहीं छुपकली तो नहीं है, गर्मी हो रही है अब तो, गर्मियों की वजह से अब तो वो नीचे चलने शुरू हो गई हैं फ़र्श पर ना, तो अब एहतियात भी लाजमी है। मैंने अब ये देखे ये पंखे का इन्होंने क्या हाल किया, दूसरी पंखियाँ तो खैर मैं बाहर गई ही नहीं जो लेकर आऊँ, ये पिछले साल की, और ये देखें ये उमैर ने रात को तोड़ दिए। तो ये बस हवा ठंडी ठंडी दे रही है, गुजारे लायक है। हाँ जी आ जाओ ना, अच्छा शरारते नहीं करना, बातें सुने इसकी। नीचे बैठा था लाइट चली गई है, नीचे वो लोग जो है ना जहाँ पे मेरा देवर रहते हैं ना तो उनके वो सही ठंडा होता है फर्श पर अभी, और कमरे भी तो नीचे बैठा हुआ था, अब कुछ निकले हैं मम्मा नीचे बैठ जाऊँ, उनके ठीक है शरारतें नहीं करना, बता रहे हैं उनको कि भाई मुझे मम्मा ने कहा शरारतें नहीं करना वैसे बैठ जाऊँ। तो और ये देखें इस्त्री पड़ी हुई है सुबह यूनिफॉर्म मैंने यहाँ पर डाइनिंग पे ना साइड पर कपड़ा लगा के तो बच्चों के कपड़े इस्त्री कर दिए, कमरे में इतनी ज़्यादा हब्स और गर्मी हो रही थी मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, यहाँ पे बच्चों के कपड़े इस्त्री करके तो मैं रख दिया। तो ये वरीशा की गुड़िया जहाँ की जहाँ है वहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ से हिलती नहीं है वरीशा, जो ही खेलने की कोशिश करती है तो उमैर साहब जो उठ के तो बस उसको खींचने शुरू हो जाते, तो बेचारी खेलती ही नहीं है, इधर ही पड़ी हुई है।
गर्मी है इतनी ज़्यादा, मैं व्लॉग स्टार्ट करने लगी थी और लाइट भी चली गई और अभी दिन का खाना बनाने लगी हूँ, सफाइयाँ वगैरह करके फारिग हुई हूँ। बस अभी जो है ना खाना बनाऊँगी, बच्चे आएंगे उनको खिलाऊँगी, और दिन को जो है ना एक ही टाइम में सालन बनाती हूँ तकरीबन। अगर दिन को बनाऊँ तो दिन का और रात का एक हो जाता है, अगर रात को बनाऊँ तो दिन और रात एक हो जाती है। तो आज कोई सब्ज़ी वाला नहीं आया, कल सब्ज़ी भी क्या खाई जाए। कल मैंने इसी तरह गोभी मंगवाई ना, तो देखने में बिल्कुल क्लियर भी साफ लग रही, जब मैंने उसके अंदर को जब मैं काटने लगी तो छोटे छोटे ना लाल बेग जो कॉकरोच होती हैं छोटे छोटे उनके बच्चे, और वो निकले इतने ज़्यादा यकीन माने, और फिर मैंने फिर उसे ज़ाया कर दिया। और गोभी पे इतना दिल टूट गया ना कि मैं कहती हूँ अब उसको देखूँ ना। फिर क्या था कि अभी तो अभी तक जब ज़रूरत होती है तो सब्ज़ी वाले भी नहीं आते, वैसे तो हर 24 घंटे ही रेडियो की आवाज़ें आ रही होती हैं, डिस्टर्ब हो रहा था बंदा, तो अभी है आज कोई नहीं आए। तो मैंने सोचा कि चलें आज हल्के हल्के शोरबे वाले आलू बना लेती हूँ, उसी से रोटी खा लेंगे हम लोग। उम्र के बाबा तो है रात को आएंगे, वो तो रात को ही आके खाएंगे, हम मैं और बच्चे हैं तीनों। तो मैंने अभी वरिषा को दवाई दी है, वरिषा को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, कल स्कूल गई है, आते साथ ही जो है ना नहाई है, नहा के कपड़े चेंज किए हैं, बस सो गई है, सो कर उठी है जब तो इतना बुखार उसको कि बिल्कुल भी जो है ना हाथ लगाती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस मेरा हाथ जो है ना गर्मी से फटने लगा है। तो अभी मैंने उसे दवाई दी है, कुछ खा पी भी नहीं रही, फ्रेंड टोस्ट बना के दिए हैं, वो थोड़ा सा खाया है, दवाई रखने लगी हूँ फ्रिज में। ये देखिए दवाइयों का पूरा फ्रिज भरा हुआ है। तो अभी मैं जाने लगी हूँ किचन में, और वरिषा ने फरमाइश की है खा कुछ नहीं रही, मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो कहती है मम्मा दाल चावल बना लें, मुझे दिल कर रहा है दाल चावल का, खाएगी नहीं है पर उसको दिल कर रहा है। तो मैंने सोचा चने की दाल और बॉयल चावल बना लेती हूँ, साथ वो भी खा लेगी तो ठीक है। तो जी मैं दाल बनाने लगी थी पर वरिषा ने आवाज़ दी, मम्मा मैं दाल चावल नहीं खाती, मुझे मैक्रोनियाँ बना दे। तो ये मैं मैक्रोनी से लेकर आई थी, तो ये मैं डाल के थोड़ी सी उसको बना दूँ, मुँह का जायका ही चेंज होगा उसका, खैर खाएगी तो नहीं। तो ये देखें ये बाल्टी है, तो इसमें जो है ना मैं अपने मसाले वगैरह जो एक्स्ट्रा मसाले वगैरह होते हैं बच जाते हैं, जो डाल के ना जार वगैरह में बच जाते हैं, जैसे कि ये देखें बिरयानी मसाला वगैरह सांचे लेकर आती होती हूँ मैं, और ये कढ़ाई गोश्त है, ये है बिरयानी मसाला, और ये नमक, और बाकी ये मसाले वगैरह जो है ना ये ऐसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ये बच जाती हैं। तो फिर मैं इस बाल्टी में बड़ी वाली बाल्टी में भर के रख देती हूँ, जब जो जो इस्तेमाल कम पड़ता है ना जार में कम हो जाती हैं तो फिर मैं डाल देती हूँ। तो ये देखें जी दाल जो है ना ये पिछले माह लेकर आई थी चने की दाल, और इसमें इतने कीड़े छोटे छोटे आ गए हैं ये देखें ये, और इसको मैं उमर ने जो बथें रखी हुई हैं उनको गीला करके डाल देती हूँ, वो खा लेंगे। और ये मैंने रखी हुई थी दाल इस माह तो हर मैं नहीं लेकर आई, पिछले माह की थी वो रखी हुई थी। तो मैं वरिषा के लिए जल्दी से मैक्रोनीज बना लेती हूँ। तो ये मैंने केचप और सोया सॉस चिली सॉस और सिरका भर रख दिया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वरिषा बेचारी लेटी हुई है, बस बुरा हाल है उसका, तबीयत खराब। ये देखिए गर्मी इतनी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि बुरा हाल हुआ हुआ है बच्चों का, उमर भी लेटा हुआ है, ये देखें ये भी बेचारा लेटा हुआ है, और वरिषा देखें बस टीवी देखी जा रही है और लेटी हुई है, इसलिए जो आइडियाज़ होते हैं ये चीज़ में देखती रहती है, और सर में दर्द, मैं ऐसे कह भी रही हूँ थोड़ी देर आराम करो कुछ खाया पिया। अपनी वरिषा ये देखो, ये देखिए ज़रा सा इसका फ्रेंच टोस्ट में बना के दे के गई थी, ये देखिए सिर्फ इतना कुछ इसके साथ से पीस तोड़ा है, बाकी उसी तरह पड़ा हुआ है, बस चाय पी ली है, और उमर ने भी फीडर थोड़ी सी पी है, बाकी दूध ये पड़ा हुआ है इन लोगों का, इन्होंने खाने में इतना इन्होंने तंग किया हुआ है। वरिषा आप क्यों नहीं खा रही हो,
भूख नहीं है, भूख नहीं है, कल से भूख नहीं है आपको। कुछ खाओगी तो दवाई खाओगी ना। ये देखें इसकी आंखों के दायरे हल्के देखें आपने, एक दिन से ये हाल हो गया इसका। इतनी बुरी तबीयत, इतना जो बुखार हो रहा है ना, गर्म हो रही है। मैं मैक्रोनिस बना रही हूँ, थोड़ी सी खा के फिर मैं दवाई दूँगी, ठीक है? सही है। ये देखें ये जिना, इनको पता है कि मम्मा वीडियो बना रही हैं कुछ, तो ये भी उछलने शुरू हो गया। और ये देखें मैंने एसी चला दिया है, अब पंखा भी चल रहा है फुल और एसी भी चल रहा है। कमरे का टेम्परेचर बाहर इतनी ज़्यादा धूप है कि तोबा है, मरने वाले पे आए हुए। और उमर गया हुआ स्कूल, अगला जाने उसका क्या हाल होगा जब वो आएगा स्कूल से। तो अच्छा ये मैं आपको ना ये कमीज़ दिखा रही थी, लाइट चली गई थी इस वजह से नहीं दिखा सकी। तो ये रिशा की मैंने जो है ना छोटा सा पीस था वो बनाई थी, मैंने आपको दिखाई थी, ये कल इसने पहन ली है। बस ये आके नहाई है, नहा के कपड़े पहने हैं, जो ही कपड़े पहने हैं, तो बस सो गई। सोते साथ तबीयत इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है अब तो। आई मैंने फिर इसलिए इसको स्कूल ही नहीं भेजा, मैंने कहा चलें आज छुट्टी कर लो। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इन लोगों ने बस स्कूल तो खोल दिए हैं जहाँ इतनी मुद्दत बर्दाश्त की है। अब गर्मी का मौसम है इतना ज़्यादा, कह रही है कम से छुट्टियाँ हो रही हैं, और पता नहीं अब जब तक तो बच्चे जो है ना गर्मी से मर जाएंगे। उम्र का भी आज मूड ठीक नहीं था, वो भी हर गया है। तो उमर लेट जाओ ना बेटी, लेट के देखो। उमर के भी जो है ना खाना पीना इसने भी छोड़ा हुआ है, मैंने उमर के बाल छोटे छोटे करवा दिए हैं, और इतना अजीब लग रहा होगा आपको, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने कहा कि चलो छोटे छोटे बाल करवा देती हूँ। तो गर्मी इतनी है बाहर, बिल्कुल किचन में मुझे जाने का दिल नहीं कर रहा, मजबूरी है इसके लिए कुछ बनाऊँ ताकि थोड़ी सी खा ले, खाए तो दवाई दूँ इसको, दवाई भी नहीं है। ओहो उमर कह रहा है कि बॉयल अंडा करके दें। मैक्रोनिस नहीं खानी आपने? बना रही हूँ ना। किधर जा रही हो? इधर आ जाओ, बाहर नहीं जाना। देखा बस बाहर निकल गई अभी, मैं चेक करने के लिए गई है कि मम्मा बना रही हैं कि नहीं बना रही। मैंने कहा बना के दे रही हूँ, पहले दाल चावल की फरमाइश आई थी वो चेंज हुआ है, तो अब मैक्रोनिस भी आ गई, अब मैक्रोनी भी नहीं खाएगी। दरवाज़ा बंद करो, पानी पीने लगी थी, मुझे बताती ना मैं ले आती। देखिए ग्लास लेने गई थी, पानी पीने लगी है। इनको देखें ये उछल कूद कर रहे हैं। बेड का हाल देखे ज़रा, ये बेडशीट लगाई थी। उमर ये क्या कर रहे हो मोहम्मद? उमर लेट जाओ, शरारतें। इसको भी स्कूल दाखिल करवाना था पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और छुट्टियां भी कह रहे हैं दोबारा से छुट्टियां हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि भी अब दोबारा से फिर से छुट्टियां हो जाएंगी तो क्या फ़ायदा फिर अब इसको भी डालने का। तो अब देखें तो बच्चों की पढ़ाइयाँ इतना हर्ज हुआ है पढ़ाई का, और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि बुरा हाल हुआ है। ये देखें मैंने विरीशा के कल ना बालों की भी कटिंग कर दी है, बाल इसके इतने बड़े हो गए थे तो ये संभाल भी नहीं सकती, खोल देती है बालों को, और रफ़ हो गए थे इतने ज़्यादा। और मैंने इसके बाल जो है ना जितने अब ये इतने हैं ना इतने ही मैंने इसके जो है ना बाल काट दिए। तो इसके पापा ने तो काफ़ी अच्छा मतलब शोर किया कि क्यों बाल काटे हैं इसके, मुँह की गर्मी इतनी आ गई, इतनी बीमार है और खून चूसते हैं बाल। मेरा बस चले तो मैं अपने भी काट दूँ पर इसके तो मैं काट ही सकती हूँ, तो मैंने इसके बाल काट दिए। तो छोटी सी पोनी चलो इस तरह हो जाएगी, पहले जो है ना बहुत ज़्यादा लंबे थे बाल, लेंथ थे तकरीबन इतनी इतनी लेंथ थी इसकी, तो मैंने काट दिए इसके। मैंने कहा चलो अब ये कि बाकी ये अच्छे से जो है ना संभाल लेगी बालों को, तो अब थोड़े से बालों में जो है ना रौनक आई है इसकी। ये देखिए पहले इतने ज़्यादा रफ थे, दो मुँह हुए थे, दो दो उसके मुँह निकले हुए बालों के, और अजीब से वो बाल हुए हुए खुरदरे खुरदरे। तो अब शुक्र है कि मैं इसकी ऑयलिंग करती रहती हूँ साथ साथ, तो अब काफ़ी बेहतर हो गया। और इधर देखें उरिशा इधर देखो, ये देखें इसके इन जगहों पे ना बाल जो है ना बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि झड़ जाते हैं बाल इसके, बार बार कंघी करती है, इन जगह बहुत कम है। तो इसको यहाँ पे जो है ना अब तो हर गर्मियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में मैं इसके यहाँ पे इन जगहों पे बाल में ना ऑयल लगाती होती हूँ, नारियल का ऑयल लगाओ ना उससे काफ़ी ये जगह ठीक हो जाती है। इस दूसरी साइड दिखाओ ऋषा, ये देखें इन जगहों पर भी ना ये
बहुत कम कम बाल हैं इसके, बाकी पीछे से इसके बालों की लेंथ भी वाइज ठीक है और ग्रोथ भी सही हो रही है बालों के पीछे से, और ये सही है, हेल्दी हैं इसके बाल माशाल्लाह से। तो इस जगह से थोड़े वो हो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने बालों को काट दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा हो जाएगा, सही हो जाएंगे। तो आप भी दुआ कीजिएगा मेरी बेटी के लिए कि तो इसकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चे जब परेशान हों तो पता है आपको कि माओं की टेंशन जो है ना आधे से ज़्यादा जान जो है बच्चों की बीमारी में चली जाती है। और ये जब बीमार होती है ना, बच्चे मेरे तीनों जो है ना जब भी बीमार होते हैं तो कुछ खाना पीना ये छोड़ देते हैं, फिर मुझे बहुत टेंशन होने शुरू हो जाती है कि इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। थोड़ा सा भी खा लेना तो ये तसल्ली हो जाती है कि भाई कुछ खाया है। तो पहले तो उमैर की तबीयत ठीक नहीं थी, अब रिशा है इसकी तबीयत सेट हुई है। अब रिशा को उल्टी का मोशन और बुखार बस ये लगा हुआ है। उमैर ये देखें, ये जो तार उठाई हुई है ना उमैर ने, चार्जर की तार, ये मैंने रखी हुई है उमैर को मारने के लिए। जब उमैर शरारतें करता है ना तो मैं सिर्फ तार उठाती हूँ, उमैर अगर फीडर ना पिए शरारतें कर रहा तो मैं सिर्फ ये चार्जर की तार उठाती हूँ, उमैर खुद कोने में उस जाके कोने में ना उधर बैठ जाता है, फिर कहता है नहीं नहीं मम्मा खाता हूँ खाना खाता हूँ। फिर ये है कि इस तार की बड़ी दहशत है तो ये डर जाता है। अब ये उठाई हुई है इसने, मोहम्मद उमैर मम्मा को दे दो, मोहम्मद उमैर दे दो मुंह में नहीं डालो, अच्छा लेट जाओ लेटो, ठीक है। अब देखती हूँ मैं जाके मैक्रोनिस को, बॉयल होगी होंगी उनको, देखती हूँ जल्दी से इसको बना के दूँ ताकि कुछ खाए, फिर मैं बाकी की रोटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें जी मेरी मैक्रोनिस तैयार हो गई है, तो मैं देने लगी हूँ रिशा को और ख़ुद भी खाने लगी हूँ। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक है, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम जायज़ हाजत पूरी करे, आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।